तो गाइस आज मैं एक बहुत बड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि मेरे पास एक बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर मैंने एक छोटी सी मछली को रखा हुआ था। तो आज टाइम आ गया है उस छोटी मछली को नीचे वाले एक्वेरियम में शिफ्ट करने का। और ये मछली बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव है, छोटी है फिर भी ऐसी है, पता नहीं, मैं इसको शिफ्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये उनके साथ कैसे रहती है। और आप क्लियरली देख सकते हो ये पानी भी बहुत ज़्यादा जो है गंदा हो चुका है, और इसका मैं वाटर हर दिन चेंज नहीं कर सकता। तो इन्हीं मेजर चीज़ों को रखते हुए मैं इस फिश को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। एंड गाइस ये जो पूरा टैंक है हट जाएगा, दूसरी मछली अगर आएगी तो मैं इसके अंदर फिर से सेटअप लगाऊंगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी हम इस छोटी मछली को पकड़ लेते हैं, और ये जो मोटर वाटर है ये सब यहाँ से हट जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा जो है खुश है, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये इस डार्क जगह से हट जाएगा। और इसको पकड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, और इसमें हम डाल देते हैं इसमें और जल्दी से जल्दी नीचे चलते हैं। और आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा जो है खुश है, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि उनके साथ ये कैसे रहेगा। चलो जल्दी चलते हैं। उससे पहले गाइस एक इम्पॉर्टेंट काम, हमें ये फीडिंग देना पड़ेगा मछलियों को, क्योंकि इसको डालने के बाद ये इन पर अटैक कर सकती है। तो जल्दी से जल्दी हम फीडिंग दे देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये खाना देख के बहुत ज़्यादा जो है, मतलब देखो मेरी मौली फिश ने तो खाना भी चले गए। अरे बाप रे, मॉन्स्टर भाई, मॉन्स्टर तो बहुत सही है, ये मेरा मॉन्स्टर है आप देख सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है कार्प, लेकिन अब बहुत जल्दी जो है बड़ी हो जाएगी, और उसके साथ हमें बड़ा जगह भी चाहिए। तो या बड़ा जगह बाद में सोचेंगे हम, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही सही है। और आप देख सकते हो मेरा टैंक कितना खाली खाली सा लगता है, ये बड़ी मछलियाँ होने के बावजूद भी कितना खाली सा लगता है। और मेरी मौली भी आप देख सकते हो बहुत बड़ी हो चुकी है, पहले से जब मैं इसे लाया था तब बहुत ज़्यादा ये छोटी थी, और पता नहीं ये प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, ब्रीडिंग सीजन था कि नहीं था। तो हम जल्दी से जल्दी इसको डालते हैं अंदर। तो और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो माटला आप देख सकते हो पूरा, इसको भी इसके साथ अंडर डाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत खाली खाली सा लगता है, ये मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। तो गाइस इनका खाना लगभग ख़त्म हो चुका है, और फटाफट से गाइस इस मछली को अंदर डाल के देखते हैं। तो गाइस हियर वी गो, डाल दिया। अब देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा जो है डर चुकी है, ब्लड हट जा, हाँ अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो है ये लोग डर चुके हैं, क्योंकि ये पहली बार इसको देख रहे हैं, पहली बार नहीं दूसरी बार, क्योंकि मैंने जब इसे डाला था तभी मैंने इसको उठा दिया था, तो आई थिंक ये भूल ही गए होंगे, पता नहीं उतना। और अब देख सकते हो काफ़ी नॉर्मल बिहेवियर है सबका, नॉर्मल अभी हो चुका है बिहेवियर। और ये अभी नया जगह है इसके लिए, तो ये सेटल होने में थोड़ा एक दो दिन का टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद हमें पता चल जाएगा, और उसी के साथ मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि ये कैसा चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मटका भी मेरे को अंदर डालना पड़ेगा, फटाफट से हम इसको भी अंदर डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा कि मेरी मछली अभी अभी कितनी खुश है, खा रही है, तैर रही है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया है, और मैंने उसको फाइनली शिफ्ट कर दिया है। तो गाइस अभी मैं और भी फिशेस ऐड करना चाहता हूँ, आप मेरे को कमेंट में जल्दी से जल्दी बताना कि मेरे को और कौन सी फिशेस जो है ऐड करनी चाहिए उस टैंक में। और गाइस मेरे पास बहुत सारी पहले मछलियाँ थी लेकिन मर चुकी थी, क्योंकि ठंडी तब बहुत थी और पानी बहुत ठंडा हो जाता था, मेरे पास हीटर भी नहीं था। तो अभी सब कुछ है, सब कुछ है गाइस। और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी मछलियाँ जो है मेरे को ऐड करनी चाहिए, मौली, कप्पी, जो भी है आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट
अपडेट के साथ। तब तक मिलते हैं, बाय।